बड़ा खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। कहाँ है तेरा भाई? शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। दिन गिनना शुरू करते पांडे। वक्त तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। सुबह की शुरुआत होती है छोले भटूरों से, दोपहर को कहीं ना कहीं राजमा चावल बन जाते हैं और शाम को मोमोज के ठेले पर मिलना तो काफी जरूरी है। रात तक आपका स्वाद ना जुबान को खींच कर बुला लेता है। बस ऐसी ही है दिल्ली, दिलवालों की दिल्ली और देश की राजधानी, जहाँ क्राइम रेट ना उतना ही है जितनी वहाँ फोर्स। यहाँ कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कभी ना धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर दंगे करवाते हैं। उन्हीं में से एक है PFI। PFI और उसके साथ के कुछ 5-6 ग्रुप्स को दिल्ली पुलिस ने अगले 5 साल तक के लिए बैन कर दिया है। इस ग्रुप के लोगों के पीछे दिल्ली पुलिस हाथ धोकर पड़ी हुई थी और उन्होंने इसके लिए ना काम करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और ना जाने कहां कहां रेड की। असल में कहानी ये थी कि उस वक्त ना कुछ नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उन पर घोटाले, करप्शन और कुछ ऐसे ही और आरोप लगे थे। PFI वालों को बस उनको निकलवाना था क्योंकि ये जो नेता थे ना वो उनका खर्चा पानी देखा करते थे। PFI के कुछ कर्मचारी नेता लोगों के खास दोस्त और रिश्तेदार थे। अब इन सब ने मिलकर ना एक काम चालू किया, इन्होंने अलग अलग ऐसे इलाकों में जाना चालू किया जहां पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और हर एक कर्मचारी को ना अपने इलाके से हर रोज करीबन 4 लोग लाने जरूरी थे। अब ये वहाँ सुबह जाते, आसानी से टारगेट बनने वाले लोगों को ढूंढते और फिर अपना जाल बिछाना शुरू करते। अब इस सब के बाद इनके साथ ना बहुत सारे लोग जुड़ गए थे, लेकिन इससे पहले कि PFI वाले कुछ कर पाते, पुलिस को इस बात की भनक लग गई। पुलिस टीम ने एकजुट होकर ना एक स्ट्रैटेजी बनाई और इस मार्च को रोकने का इंतजाम कर लिया। अब इस बीच ये बात PFI वालों तक पहुंच गई, इसलिए उन्होंने अपने लोग ना अलग अलग जगह भेज दिए और उन्हें लगा कि अब तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। पुलिस अपने प्लान के हिसाब से छापा मारती और उन्हें कोई मिलता ही नहीं। PFI वाले आराम से बैठे थे जैसे कोई डर ही ना हो। वहीं पुलिस इस बात को समझ गई थी कि शायद ना उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। दोबारा मीटिंग्स हुई और प्लान को ना चेंज किया गया। फिर वहां से ये बात निकल कर आई कि इन्होंने अपने लोगों को अलग अलग जगह भेज दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी, अगर हमने कोई प्लान बनाया है तो वो किसी और के पास पहुंचा कैसे। बात साफ थी कि कोई अंदर का इंसान ही था जिसने ये किया था। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड से लेकर लोकेशन सब छान ली, तब उन्होंने किसी को भी ना छोड़ने का प्लान बनाया। उन्होंने PFI, उसके साथ जुड़े ग्रुप्स और यहाँ तक कि आसपास उनके हमदर्द सबको अरेस्ट किया। एक दिन में कम से कम 30 लोग अरेस्ट किए गए और एक बहुत बड़े दंगे को दिल्ली पुलिस ने होने से रोक दिया। उसके जस्ट बाद ही पुलिस ने एक और ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें पुलिस को टिप मिली थी कि एक बड़े बिजनेसमैन की पार्टी में कुछ लोग भेष बदल कर आएंगे और उसे जान से मार देंगे। प्लान भी फुल प्रूफ था। वो बिजनेसमैन इतना डरा हुआ था कि उसने तो अपनी पार्टी ही कैंसिल करने का सोच लिया था, क्योंकि धमकी देने वाले नामी गुंडे थे। अब सवाल ये था कि आखिर ये गुंडे इसे मारना क्यों चाहते हैं, क्योंकि अगर उनको पकड़ भी लिया गया तो उनको कभी तो छोड़ना पड़ेगा और तब के लिए उनको वजह पता करनी जरूरी थी, क्योंकि उनको समझना जरूरी है जिससे जेल से निकलने के बाद ना ऐसा कुछ हो ना सके। अब पार्टी में 4 दिन बाकी थे और इसमें दिल्ली पुलिस को वजह जाननी थी। पुलिस ने शुरुआत से शुरू किया। वो सबसे पहले गए उस बिजनेसमैन के पास, जिससे उन्होंने साफ साफ उसकी और धमकी देने वालों की लड़ाई के बारे में पूछा। पहले तो डर रहा था, लेकिन फिर ना उसने बताया कि एक टाइम था जब उसके पास ये सब नहीं था और वो ना पास के एक छोटे से गांव में रहता था। जो आज उसको धमकी दे रहे हैं ना, वो उसके दोस्त हुआ करते थे। बचपन से ही साथ में रहने वाले ये लोग इस बिजनेसमैन को बहुत अच्छा दोस्त मानते थे। जब सब ने साथ स्कूल जाना शुरू किया, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा कुछ हो जाएगा कि वो अपने में से ही किसी एक को खो देंगे। जब ये सब 5th क्लास में थे ना, तब एक बार स्कूल में कुछ सीनियर से इनकी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि घर गांव में था और स्कूल शहर में, तो घर के रास्ते में उनके साथ कुछ बुरा होना आसान था। फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी। एक दूसरे का सपोर्ट करते करते जैसे ही ये आगे बढ़े ना, उन बड़े लड़कों ने इन सब पर हमला कर दिया और जिसकी कोई गलती भी नहीं थी ना, उसके सर पर एक जोर का वार किया। उस वक्त ये लड़ाई बिजनेसमैन की वजह से हुई थी और ये ना शांत कोने में बैठकर सब देखता रहा। जब इनका एक दोस्त अपनी सांसें खत्म होने का इंतजार कर रहा था ना, तब वो एक कोने में बैठकर देखता रहा। उसने कुछ भी नहीं किया। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन किसी ने ना उसकी ये बात नहीं समझी। इसके बाद पूरे ग्रुप ने ना उसे अलग कर दिया। अपने दोस्तों के बिना ये बिजनेसमैन ना काफी परेशान रहता था और उसी गुस्से में उसने ना एक लड़के को जान से मार दिया जिसने उसके दोस्त को मारा था।
जब ये बात सबको पता चली तो उन्होंने उस बिजनेसमैन को ना वापस अपने साथ रखना चालू कर दिया। यहाँ तक कि उसका इल्जाम अपने सर लेने को भी तैयार हो गए थे, क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा था और उसकी जगह कोई और जेल चला भी जाता तो परेशानी नहीं होती। ऐसी ही कहानी हो सकती है दबंग कोर की। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आज तुम्हें एहसास होगा कि हमारा ट्रांसफर कानपुर क्यों नहीं होना चाहिए था।